खाना खा रहे हैं वो, खाना खा रहे खाना। तो अभी पापा ऑफिस जा रहे हैं गाइस, शाम को मिलेंगे आपको। तब तक काशु यहाँ पे, काशु की हॉलीडेज है ना, तो काशु अभी घर पे ही है। ठीक है काशु, पारी कर दो पापा को। आपको सबसे अच्छी कौन लगती है? पापा पापा नॉट मम्मा। देखो मम्मा को ये बोल, पापा पापा बोला, मम्मा बोला आपने? पापा पापा बोला है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो भाई ऑफिस जा रहा हूँ, और मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब पिछले 2-3 दिन से मौसम जबरदस्त हो रहा है, कोई दो राय नहीं। आज तो मुझे लग रहा है बारिश भी होगी तगड़ी करके। तो अभी मैं किसी काम से आया हुआ था, और वापसी आते हुए देखो भाई ये एरिया देखो, इधर ये सामने इंडिया गेट, और मतलब और लेफ्ट में जो है राष्ट्रपति भवन है। और आप ये देखो मतलब कितना सुंदर है यार। तो पूरी क्या हमारी दिल्ली ऐसे सुंदर नहीं हो सकती? हो सकती है ना, बट लेकिन देखो मैं सरकार को नहीं बोल रहा, मैं वहाँ के किसी भी एमएलए विधायक की बात नहीं कर रहा, मतलब एमएलए या व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हम लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग जो है ना भाई वो ज़्यादा गंद मचाते हैं। अब यहाँ पे आने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भाई कूड़ा वूड़ा डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि प्रॉपर कैमराज लगे हुए हैं। मतलब जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा लोग ना सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बट अपने एरियाज में ना नहीं हो पाते हैं। तो यही है कि भाई हमें इनिशिएट लेना चाहिए, हर चीज़ ना गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी भाई ट्रैफिक वगैरह भी देखो यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, और बढ़िया से सब चीज़ें चल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के बाकी जगह और इस जगह में देख के लग गया कि भाई ये दिल्ली का पार्ट है। बाकी तुम्हारे भाई देखो 27 मिनट में पहुँचने वाला है, और G20 की भी तैयारी चल रही है भाई फुल तरीके से। देख रहे हो सामने BSNL की बिल्डिंग है, BSNL। घर आ गया वापसी, और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि कल परसों है हमारा मैच, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करना है कुछ चीज़ें। तो भाई के पास जा रहा हूँ, दिन में मिला था, मतलब दिन में फ़ोन आया था, तो कह रहा था भाई आना शाम को और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं दिखाना है कौन कौन है। हमारी टीम फिलहाल पूरी हो चुकी है, टीम हमारी पूरी हो गई ना भाई, 11 हो गए ना, बस एक बंदा ले चलेंगे एक्स्ट्रा का ले जाना होगा। हाँ फिलहाल अपोनेंट टीम का कप्तान बैठा हुआ है हमारी स्ट्रैटेजीज चुराते हुए। क्या तैयारी करी है भाई आपने? ये ब्लॉग तो देखता नहीं, तो क्यों ले रहा हूँ ब्लॉग में? मैं देखता हूँ भाई। क्या देख? देखा था बिंदी वाला, वो भी अच्छा, फिर चल बढ़ के बच गया। अब बुरी तरह से नहीं मारेंगे, पिछले मैच हमने बहुत बुरी तरह हारा है। तो भाई क्या स्ट्रेटजी नहीं था भाई? हाँ अब क्या स्ट्रेटजी आपकी? जीतने की यार। नहीं जीतने की तो है सचिन भाई, नीचे बैठने की। ओए यार भाई नरेंद्र मुसरता कह रहा जब आउट हुआ, कह रहा यार भाई नीचे नीचे से तुम बॉल डालते हो। मोहित की बॉल में नीरज की बॉल पे आउट हुआ था, वो सीधा अंदर घुसी थी उसकी। कह रहा यार ये कोई तरीका थोड़ी नीरज जी। अबे मैंने कहा भाई क्या बोलता हो जा रहा है, पागल हो गया यार, क्या सर लॉजिक है ये, हद ही है यार। तो भाई इस बार का मैच भी हिमांशु वही वाली पुरानी टीम से है, हिमांशु इज द कैप्टन, नाम का नाम का कप्तान है, बलि चढ़ाने के लिए, बलि बलि चढ़ाने के लिए इनको बताया गया कौन ओपन करेगा, कौन डाउन करेगा और कौन बॉलिंग करेगा। अब कप्तान खुद ही 4 ओवर नहीं करा पाया, गारंटी ले ली नहीं डालूंगा यार। चल देखते हैं भाई, हम भी यहीं हैं तुम भी यहीं हो, देख लेंगे। गीला ना होगा, इसी ओवर का मैच होगा, गीला तो होगा यार। 22 का ट्राई करेंगे, 22 का ही करेंगे है ना, 22 जितने ज्यादा गीले हो उतना बढ़िया यार, लड़कों के सबकी बैटिंग आनी चाहिए। हां पैसे उतने लगेंगे, लड़कों की बैटिंग आएगी बढ़िया रहेगा, बैटिंग आएगी लोगों को करने को तो मिलेगा। सही बात है, दोबारा भाई आने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो वही दोबारा ना भाई, दूसरी टीम के कप्तान को ढेर करना ही। चलो चलो बंद करा भाई, कोशिश कर रहा हूँ, बताओ उठाने की यार, हमारी टीम का बंदा है वो, फंक्शन में नहीं है, हमारी टीम का बंदा। घर आ गया हूँ, और अभी अभी मैंने देखा कि ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि ना टाइम देखो 10:09 हो गए, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई था, मैंने एडिट ही नहीं किया था। तो भाई अब एडिट कर रहा हूँ, लेकिन अब लेट हो जाएगा, तो इसलिए कल ही देखना, रियली रियली सॉरी। और फिर यार खाना खा रहा हूँ, देखो खाना भी अब खा रहा हूँ मैं, टाइम देखो 10:09 हो गए, ठीक है। तो फटाफट खाना खा रहा हूँ, साथ ही साथ एडिट पर भी लगा रखा है, मतलब एक्सपोर्ट पे लगा रखा है, और ये खा के फिर मिलता हूँ आप लोगों से। दिक्कत पता है क्या हुई है गाइस, अभी क्या है ये तो मैं क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली एक वीडियो एडिटिंग भी थी, बस मैं उसको अपलोड करना भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब इतना काम सब वर्क हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, इतना ज़्यादा वर्कलोड है ऑफिस का भी और घर का भी, और ये जो है ये वीडियोज़ वगैरह का भी है, तो उस वजह से मैं एडिटेड तो थी वो वीडियो, लेकिन मैं अपलोड करना भूल गया। तो जब अपलोड करना भूल गया तो फिर अपलोड करना भूल गया तो मतलब वो पड़ी हुई थी यार, मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना ये वीडियो पड़ी हुई है, रुक जाओ, दिखा रहा हूँ आपको।
मिल सकती है। सॉरी यहाँ जाऊँगा तो बेसिकली इसमें वीडियो पड़ी थी जो मैंने अपलोड कर दिया, अब कल देख लेना क्योंकि अब लास्ट टाइम हो गया, देखो 11 बज गए तब क्या देखोगे, इसलिए मैं कल ही डाल दूंगा। और ये भी जो दूसरी वीडियो थी वो भी अब एडिट होके अपलोडिंग मतलब एक्सपोर्ट पे डाल दिया है, इसको भी अपलोड करके अपना सो जाऊंगा। तो एक काम करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो अगर पसंद आया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना यार। क्या देखो बेटा? गाइस इसको भी देखो काशी क्या कह रही है। गाइस को बाय कर दो, बाय तो कर दो, ऐसे करते हैं बाय।